proceed to the aircraft through gate number 5. I see... Flight land होने वाली है। सारी रात मैं तो सोया नहीं। ओ देखो। अरे पापा। काजल। अरे पापा। काजल, मेरी बच्ची, मेरी जान। बूजी, अरे पापा की तबीयत तो ठीक है ना? जरा देखिए उनकी आंखें कितनी लाल है। तेरे आने की खबर सुनने के बाद रात भर तेरे बड़े पापा सोए नहीं। इनका बस चलता तो ये सूरज को भी डूबने नहीं देते। सूरज को भी काजल जैसी पोती होती ना तो वो भी डूबना भूल जाता। देखिए बड़े पापा, हम कितने बड़े हो गए, बिल्कुल आपके बराबर हैं। क्यों है ना बूजी? तू कितनी बड़ी हुई है बिट्टू, मगर भाई साहब के सामने तू उतनी आएगी जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था। चलो चलो घर चले। नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा। ओ ओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सिट डाउन बेबी, सिट डाउन। ओके। अरे वाह, आलू के पराठे। आज तो हम अपनी काजल बिटिया को अपने हाथ से पराठा खिलाएंगे। लो बड़े पापा, हम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे। बेटा तू अपने हाथ से खाएगी, तेरा पेट तो भर जाएगा। तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा? हमारे हाथ से लीजिए। क्या कर रही हो? हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा। क्या 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 क्या? नो 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 नो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बड़े पापा, बचपन में नहीं दिखाते थे क्या? हो जाए हो जाए, मैं देखूंगा। डमरू तू भी? मैं आदमी नहीं, मुझे भी अच्छा लगता भालू का डांस। हाँ चलो चलो। रुक्मनी देखो ना कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है, इस उम्र में मैं भालू का डांस करूंगा क्या? बूजी बोलिए ना, बच्ची जिद कर रही है, दिखा दीजिए ना। अरे डमरू दे ताल। या, अरे गिर गया ऊपर से। भगवान करे उसकी बीवी अंधी हो जाए कि औलाद कुत्ती कमीनी निकले नाच पीटे। उन कलमुहों की हिम्मत कैसे हुई तुझ पर नजर डालन? जाजा है। हाँ बड़े जी चाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई साहब, गोली का कोई ईमान नहीं होता। वो ये नहीं देखती कि जिस सीने में वो घुस रही है उस सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तमीज होती है कि फौलादी सीने के सामने अदब से पेश आए पिशंबर। बड़े जीजा जी, मुश्किल तो ये है कि आपकी सलामती के लिए किस्मत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की कामयाबी के लिए किस्मत को उनका साथ जय सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी बांका हुआ उस दिन कयामत आ जाएगी। सेठ जी आप भी खूब हैं, आज ही मैंने अपने बाल सेट करवाए हैं और आज ही आप कयामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिटिया का लाया हुआ शिविंग सूट भी नहीं पहना। आपकी छोटी दादी भी कम नहीं है। डमरू विशंबर, तुम लोग जयनारायण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो ना? होम मिनिस्टर साहब के यहाँ। अच्छा हुआ भाई साहब आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। अरे डमरू। हाँ जी। सबको नाश्ता वाश्ता नहीं करवाओगे? करवाऊंगा क्यों नहीं करवाऊंगा, मैंने भी नहीं किया। सांप तो दूध पीते हैं, आप लोग क्या पीएंगे? ना 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 नगंडा ना, जाने दे जाने। अच्छा भाई साहब इजाजत दीजिए। काजल बिटिया, छोटे दादा जा रहे हैं, प्रणाम करो। सुखी रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें हर अपशकुन हर अशुभ चीज से बचाए रखे, तुम्हारा कभी अमंगल ना होगा। क्या हो रहा है? कौन है? पानी? हाँ जी। क्या करते रहते हो? कैसे बाकी क्या है? मेरे ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरे पूजा का सामान नहीं रखा, ये सब क्या है? हाँ आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं, अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता।
पूजी हम नहीं जाएंगे, समझाइए ना बड़े पापा को, कल हमें जंगल में भेज रहे हैं। पूजी तेरे बगैर तो वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डब्लू, बड़े पापा सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। कथा बड़े पापा प्लीज। बेटा बिट्टू बूजी करण, ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ सर। ये रही पिस्तौल और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? ओ, अगर पहले पता होता तो एक साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो मैं साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। चुप करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी मुझे तो डर है कहीं सुंदर नगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा लगा देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। सब ठीक तो हो ना? हाँ सब फर्स्ट क्लास है जी। आप बड़ी जल्दी आ गए, आप जीप से आए क्या हवाई जहाज से? हम तो सोचे थे सुबह तक पहुँचेंगे आप। सच की जवाब बेबी जी, आप तो बहुत बड़ी हो गई। क्या करती धन्नो, बहुत कोशिश की लेकिन छोटे नहीं रह सकी। धन्नो बात करने को बहुत टाइम पड़ा, पहले जीप पे से सामान को उठा के लाओ। चालू हो जा, चालू चल चल चल। सत्य जाओ, मैं तो समझू मैं विलायती गुड्डा है जो बीबी जी अपने साथ लेके आए हैं। मैं विलायती गुड्डा नहीं हूँ, खाली हिंदुस्तानी हूँ। तू कौन है? डमरू। हाँ जी, ये धन्नो है भैरव चाचा की बेटी। हाँ। और धन्नो हाँ? ये डमरू है। बीबी जी ये पछता भी है या सिर्फ नाम का डमरू है? ये खबरदार मेरा मजाक उड़ा है ना। डमरू वहाँ क्या पापा कर रहे हो? चलो जल्दी से सामान उठाओ। बहन जी ये ड्राइवर जी का क्या करना है? जीप में सोएंगे? ये ड्राइवर नहीं है जी, इनका नाम करण है, बिट्टू के बॉडीगार्ड हैं। ओ तेरे साहब ने हिफाजत के लिए भेजा है। अच्छा इनके रहने का बंदोबस्त कर। अच्छा जी अच्छा, चल बिट्टू। हाथ लगाऊं? क्यों? देखने के लिए कि करण लगता है कि नहीं। कलयुग घोर कलयुग। हाय सत के जावा फटके जावा। कालो हाँ जी और जा चालू। बहन जी के सामान ऊपर वाले कमरे में, बीवी जी के सामान में कोने वाले कमरे में, और बेटा जी सामान हमारे पास वाले कमरे में, ड्राइवर जी के सामान में। हाँ जी हाँ जी। बॉडीगार्ड जी आप हमारे साथ आइए आइए। ये फास्ट ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सत के जावा तुझे कैसे पता? सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलो स्टेशन आ गया है। सत के जावा बीवी जी, गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ की सुबह कितनी खूबसूरत है ना? ये पहाड़ों की सुबह है बीबी जी, मेहमानों को इसी तरह जगाती है सत के जावा। हेलो कौन बोल रहे जी? अरे साहब जी आप सत के जावा। हेलो बड़े पापा। बेटा कैसे हो, ठीक ठाक पहुँच गए? हाँ बड़े पापा। बेटा बोर तो नहीं हो रहे? नहीं बड़े पापा, लेकिन आप कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्दी आऊँगा। कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा। एक मिनट बूजी से बात करिए। हाँ दो। गुड मॉर्निंग। अरे रुक्मिणी क्या हुआ? गांव के धुल मिट्टी तो चंदन राबे होते हैं भाई साहब, अब अपना ख्याल रखिएगा। जरा सीढ़ी लगाकर मुंडेर से मेरी चोली तो उतार देना, कल बंदर चुराने गया था। यहाँ के बंदर चोली चुराते? पहाड़ों के बंदर ऐसे ही होते हैं जी। कैसे होते हैं जी? बिल्कुल तुम्हारी तरह।
अरे मैं क्या काजल पुत्र बिटिया लग जा अपने अंकल देखते ही अब मिली तेरी नू ठंडक। हाय रोहित कैसे हो? As usual खुद हंसता हुआ दूसरों को हंसाता हुआ। काजल अपना रोहित इतना खुश नसीब है कि सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिल खोल के रख देते। अच्छा दारू खोलता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिल मेरे हवाले कर देते हैं। मिस्टर हार्ट स्पेशलिस्ट, कहीं मरीजों को ठीक करते करते खुद दिल के मरीज मत बन जाना। ओह वेल सर, वेल सर। रोशनलाल जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ओ उल्लू ना पट्टा हवलदार कितने का। अरे रोशनलाल जी आप तो जानते हैं कि अंकल को यहाँ बुलाने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आप और मैं मिलकर काजल को किडनैप कर लेते हैं। फिर तो उन्हें आना ही पड़ेगा काजल के साथ। क्यों काजल? मुझे किडनैप करना ज़रा मुश्किल है, मेरा बॉडीगार्ड जो है। बॉडीगार्ड? जी हाँ, काजल की हिफाजत के लिए। तो काजल की हिफाजत की क्या जरूरत है? करण, ये रोशनलाल जी हैं। ओए हेलो यंग मैन, शेक हैंड। हेलो सर। ओए मैं क्या? ग्रिप तो तुम्हारी बड़ी जरूरत है, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहट कम है। मेरी ड्यूटी मुस्कुराने की नहीं, काजल की हिफाजत करने की है। वेल सेड, वेल सेड। आई एम इंप्रेस्ड। हाय, आई एम रोहित। कभी कोई दिल की शिकायत हो तो जरूर याद करना। अच्छा मैं चलता हूँ, पता नहीं कौन सा दिन मेरा इंतजार कर रहा होगा। और दादू आप शायद भूल रहे हैं, आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है। ओ लो सियापा, काजल बिटिया तू तो जरूर मेरे बिजनेस का नुकसान करवा के रहेगी। जब पहले ही दिन मेरी ये आदत हुई कि मैं अपनी टेंडर मीटिंग भूल गया तो ओके ओके क्यों हो गया। और बहन जी आज रात नू तुम सबका डिनर। हां डिनर। अरे अरे ओके बाय।